दोस्तों, भारत ने चाइना के ऊपर एक ऐसे हथियार से वार किया है जिसको जानने के बाद आप किसी एक्सपर्ट की सलाह के बिना ही कह देंगे कि अब चाइना के घुटने टेकने का समय बिल्कुल आ चुका है। जी हाँ, भारत ने चाइना की सबसे नेसेसरी जगह पर हमला कर दिया है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आगे तक वीडियो देखते रहिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर बस आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चाइना को पहली बार तब पता चला कि भारत भी रिटालिएट कर सकता है, वो था डोकलाम विवाद। डोकलाम विवाद में जिस तरह से भारत ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिस तरह से चाइना को बॉर्डर के साथ साथ समुद्री इलाके में भी घिरने की कोशिश की, चाइना को पहली बार पता पड़ा कि 1962 वाला भारत अब ये नहीं रहा है। लेकिन इसके बाद चाइना दोबारा ऐसी हरकत करता है और वो इस समय भी जारी है LSC पर। लेकिन जिस हिसाब से भारत काउंटर कर रहा है, यकीनन लाजवाब है। लेकिन अब वो अपने पैर पीछे भी नहीं ले सकता, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ में पड़ चुका है जिससे वो ना तो निकल सकता ना ही उगल सकता। ना तो वो भारत पर जीत सकता और ना ही भारत के सामने घुटने टेक सकता। दोनों ही परिस्थितियाँ चाइना के लिए बड़ी खतरनाक है। लेकिन भारत ने इस समय सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ों के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया और वो थी चाइना की आर्थिक स्थिति। एक बात बड़े ही जोरों से बोली जाती है कि आप पाकिस्तान से आने वाले कितने भी आतंकियों को मार गिराइए, पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रहने वाले सोल्जर्स को मार गिराइए, दो चार को भी अगर आप मार देंगे ना, तो पाकिस्तान को बहुत दर्द होगा। ठीक इसी तरह की चीज़ें चाइना के ऊपर भी अप्लाई होती है। आप चाइना के कितने ही सोल्जर्स मार दीजिए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने एक रुपये का भी नुकसान चाइना का कर दिया, तो यकीन मानिए उसकी चीखें निकलना तय है। इसीलिए भारत ने पहले इनकी कई सारी वेबसाइट्स को बंद किया, इनकी कई सारी ऐप्स बंद की जिसमें टिकटॉक वगैरह शामिल थी, और साथ ही जितनी भी चाइनीज़ कंपनीज को भारत के कामों के लिए टेंडर्स दिए गए थे, उन सभी को इंडियन गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया और बाहर भगा दिया। तो कहने का मतलब, अच्छी खासी आर्थिक चपेट इन्हें लग चुकी थी। लेकिन इसके बाद भी ये लोग अपनी उद्दंडता बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहे थे और भारत के ऊपर दबाव बनाने की लगातार कोशिश कर रहे थे। अब हम जानते हैं कि चाइना और भारत एक जैसे ही हैं, एक ही क्राइटेरिया की दोनों देशों की ताकत है। अगर युद्ध एक्चुअली हो जाता है तो ना चाइना बचेगा ना भारत बचेगा। चाइना भारत छोड़ दीजिए, पूरा एशिया नहीं बचेगा। तो ऐसी परिस्थिति में स्मार्ट मूव चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और यहाँ पर अब भारत ने वही किया है। दरअसल कुछ अमेरिकन मीडिया के द्वारा इस बात का खुलासा किया गया है और बड़े जोर देकर खुलासा किया गया है कि भारत बहुत ही जल्द चाइना के स्मार्टफोन्स बंद करने वाला है। जी हाँ, स्मार्टफोन जो कि आज हर किसी के जेब में है। आप भी ये वीडियो जिस मोबाइल में देख रहे हैं, 90% से ज़्यादा लोगों के हाथों में चाइनीज़ फ़ोन ही होगा। और सबसे ज़्यादा जो बिक्री चाइनीज़ फ़ोन की भारत में होती है, वो 10,000 के आसपास की कीमतों वाले फ़ोन की ज़्यादा होती है, क्योंकि भारत में लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ की संख्या ज़्यादा है। इस समय की अगर बात करें तो कोविड के बाद, लॉकडाउन के बाद, ये जो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह चल रही है, इसके लिए तो मोबाइल बच्चों के लिए भी अब नेसेसरी होता जा रहा है। तो इस वजह से 10 से 12,000 की कीमत में आने वाले स्मार्टफोन की बिक्री भारत में बड़ी तेज़ी से हुई है और चाइना हर साल अपना खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ते जा रहा है भारत में स्मार्टफोन बेचने के मामले में। लेकिन अब भारत ने तय किया है कि 12,000 कीमत वाले सभी चाइनीज़ फ़ोन भारत में नहीं बेच पाएंगे। यानी चाइना का हर वो फ़ोन जिसकी कीमत 0 से लेकर 12,000 तक की है, उन्हें चाइना भारत के मार्केट में नहीं बेच पाएगा। इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है कि भारत अपनी स्वदेशी कंपनियां, जो कि कहीं ना कहीं खो गई है चाइनीज़ कंपनी के प्रभाव में, उन्हें उभारने के लिए ये सब कर रहा है। और ये मेरे हिसाब से आज तक का भारत द्वारा चला गया सबसे अच्छा मूव होगा। भारतीय कंपनियां इससे आगे आएंगी, उनकी सेल बढ़ेंगी, हमें भारी भरकम टैक्स मिलेगा, भारत में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो वैसे इसके ऊपर जो खुलासा किया गया है, यानी ये जो मैंने अभी आपको बात बताई कि 12,000 तक के सभी चाइनीज स्मार्टफोन अब भारत में बैन होने वाले हैं, इस बात का खुलासा भारतीय गवर्नमेंट ने नहीं किया, लेकिन अमेरिकन मीडिया की तरफ से ये काफ़ी जोर देकर कहा गया है कि आने वाले बिल्कुल कुछ ही समय में इस तरह के स्टेप उठाने वाला है भारत। और भारतीय कंपनी जैसे माइक्रोमैक्स हो गया, लावा हो गया, और भी कई सारी भारतीय कंपनियां हैं जिन्हें आज से 5-7 साल या 10 साल पहले हम लोग जानते थे, जो कि अब खो चुकी है पूरी तरह से, गुमनामी की ज़िंदगी जी रही हैं, उन्हें दोबारा उठाने की कोशिश है यहां पर। लेकिन दोस्तों, इसकी टाइमिंग थोड़ी सी अजीब लगी मुझे। एक्चुअली ये दावा अब अमेरिका की तरफ से किया गया है। अमेरिका इस समय चाहता भी है कि अमेरिका और ताइवान वाले ग्रुप में भारत शामिल हो जाए, ताकि चाइना से ताइवान को बचाया जाए। और कहीं ना कहीं भारत की यहाँ पर न्यूट्रल स्थिति इस बार भी बनी रहनी है, या भारत किसी भी तरह की कोई मदद ताइवान और अमेरिका के ग्रुप को करेगा भी, तो वो इतने ज़्यादा खुलकर नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि भारत के अपने भी कुछ इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं चाइना से। तो ऐसी परिस्थिति में ये कहा जा सकता है कि इसके पीछे कोई ना कोई राजनीति भी अमेरिका की तरफ से की जा सकती है। लेकिन अगर ये दावा सही है और भारतीय गवर्नमेंट ने इस तरह का मूव चल दिया कि चाइनीज स्मार्टफोन भारत में बैन होंगे 12,000 कीमत तक,
तो यकीन मानिए ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा हमला होगा चाइना के ऊपर। फिर आप अग्नि 5 या ब्रह्मोस से अटैक कर दीजिए, चाइना को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने उसकी इकोनॉमी तोड़ दी तो निश्चित रूप से उसको फर्क पड़ेगा, क्योंकि चाइनीज स्मार्टफोन की भारत में बहुत डिमांड है। कम कीमतों पर ये बहुत सारे फीचर बिल्कुल आईफोन जैसे आपको प्रोवाइड करवाने के मामले में चाइना सबसे अव्वल है। और एक यही कारण है कि भारत जैसे एक मध्यम वर्गीय देश में चाइना के स्मार्टफोन खासे फेमस हुए और उनकी सेल लगातार बढ़ती जाती है। खैर, ये तो आने वाला समय बताएगा कि क्या भारत इस तरह का मूव चलेगा या फिर नहीं। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।